नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक स्टॉक के ऊपर। सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो मैं स्टॉक आज आपको बता रहा हूं, इस स्टॉक में पहले ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट के बाद इस स्टॉक में रिटेस्ट हुआ है, तो अब वो उस लेवल पे खड़ा है। तो बेस्ट पोजीशन बनाने का सही समय है ये स्टॉक में। तो देखते हैं सबसे पहले नाम क्या है इसका। इसका नाम है KEI इंडस्ट्रीज, ये स्टॉक है। और देखते हैं कहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और रिटेस्ट हुआ है। ये देखो यहाँ पे सबसे पहले ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे इसने रिटेस्ट किया है आज, तो उसके बाद ये अब ऊपर जा रहा है। तो अब आपका स्टॉप लॉस हो सकता है 1630, और आपका टारगेट हो सकता है लगभग 1700 या इससे अबव जा सकता है, काफ़ी ऊपर जा सकता है। मैंने कई ऐसे स्टॉक देखे हैं जो रीटेस्ट करने के बाद लगभग 3000 पॉइंट तक भी ऊपर गए हैं। तो ये रिस्क रिवार्ड के तहत ही अच्छा स्टॉक है। तो आप देखते हैं इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ। जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो 0.10 पे है, यानी कि 0 के पॉजिटिव है और ग्रीन भी है। और RSI जो है वो 63 पे है और सपोर्ट लिया है 60 पे इसने। तो बता सकते हो कि अगर कोई सपोर्ट ले, 60 पे सपोर्ट लेके रिवर्स कर रहा है, देख सकते हो कितना स्ट्रांग स्टॉक है, इसमें मोमेंटम भी है। तो अब देखते हैं हम इसका वॉल्यूम। और ये देखो वॉल्यूम वॉल्यूम दोबारा से बढ़ रहा है इस स्टॉक का। और आप देखते हैं इसका मूविंग एवरेज, और ये स्टॉक सभी मूविंग एवरेज के अबव ट्रेड कर रहा है और 9 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके इसने रिवर्स किया है। तो अगर आपको ये स्टॉक अच्छा लग रहा है तो आप जरूर बाई कर सकते हो। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।